नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिपल सी का कंप्यूटर का परिचय, यानी कि ट्रिपल सी का सबसे पहला सिलेबस हमारा था है कंप्यूटर का परिचय। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर का परिचय के बारे में, यानी कि ट्रिपल सी में किस तरीके का कंप्यूटर के परिचय से क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनका बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि कंप्यूटर का परिचय बहुत ही आसानी से हम आसानी से बोल सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर के परिचय से बहुत सारे ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं जिसे हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं, जिसे हम छोड़ देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ले लिया जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जैसे कि कंप्यूटर का वर्गीकरण। नॉर्मली जो हमारा क्वेश्चन आता है, वर्गीकरण कितने टाइप्स का होता है, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन इसी टाइप का आता है। दूसरा क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि प्रथम पीढ़ी में कौन सा कंप्यूटर आया था, यानी कि प्रथम पीढ़ी में सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था, ये भी एक नंबर का क्वेश्चन आता है, ये भी एक नंबर का क्वेश्चन आता है। या किसी एक सिंपल सा क्वेश्चन ऐसा हो जाता है कि एक छोटे चिप में किस जनरेशन में ट्रांजिस्टर, लाखों करोड़ों ट्रांजिस्टर एक छोटे चिप में कब से ऐड करने लगा, यानी कि एक ट्रांजिस्टर यानी कि जितने बहुत सारे ट्रांजिस्टर को मिला को एक चिप में कब से ऐड करने लगा गया। या सिंपली क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सुपर कंप्यूटर के नाम बता दीजिए, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये भी एक नंबर का आ जाता है, ये भी एक नंबर का आ जाता है। या कभी ऐसे पूछ सकता है कि ट्रांजिस्टर के जगह पे आईसी कब आया, यानी कि जो हमारा आईसी है कब हमारे ट्रांजिस्टर के जगह पे है। ये जितना भी क्वेश्चन है ये सारा क्वेश्चन आपका फंडामेंटल्स आता है, और ये हमको आशा है कि आपको ये क्वेश्चन 100% है या 50% नहीं पता होगा, क्योंकि बहुत कम ही लोगों के पास ऐसा नॉलेज होता है जो फंडामेंटल में पढ़ते हैं कि कंप्यूटर का वर्गीकरण कितना होता है, प्रथम पीढ़ी में कौन सा कंप्यूटर है, छोटे चिप में लाखों ट्रांजिस्टर कब से, सुपर कंप्यूटर का कौन सा नाम है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अभी हम आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो कि कंप्यूटर से परिचय से रिलेटेड है। तो दिक्कत मत करिए, परेशान मत हो कि ये सारा चीज हम लोग को इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर के परिचय में ही, वन बाई वन ये सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, और कंप्यूटर के परिचय से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं, ये सारा चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले कंप्यूटर के बारे में। तो नॉर्मली कंप्यूटर तो हम लोग सभी देखे होंगे, सिंपल तरीके से कंप्यूटर के बारे में हम लोग सभी देखेंगे, कंप्यूटर सबको दिखा होगा। कंप्यूटर में क्या होता है, मॉनिटर होता है, एक कीबोर्ड होता है, एक माउस, एक सीपीयू, इतना ही चीज होता है, इसी पे वर्क होता है। देख भी लेते हैं, अगर नहीं देखे हैं तो ये देख सकते हैं, ये हमारा कंप्यूटर है। अब किसी को नहीं पता होगा तो मैं बताना देना चाहता हूँ, ये जो होता है, ये जो डिस्प्ले दिख रहा है, इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, नॉर्मली मॉनिटर। ये फंडामेंटल इसे आप लोग जानना बहुत ही जरूरी है, इसका नाम क्या होता है। ये जो हमारा है बड़ा सा दिख रहा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सीपीयू। सीपीयू, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब यहीं पे ध्यान दीजिएगा कि सीपीयू का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं आपको एक नंबर में, ये कोई जरूरत नहीं कि सीपीयू का फुल फॉर्म नहीं पूछ सकता, ये भी पूछ सकता है ट्रिपल सी के क्वेश्चन में कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। नॉर्मली कीबोर्ड्स, ये जो होता है नीचे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कीबोर्ड्स। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं माउस। तो ये चारों चीज हमारा कंप्यूटर होता है, इसी को हम लोग कंप्यूटर की भाषा में इसी को हम लोग देखते हैं और इसी के बारे में हम लोग सारा काम करते हैं, जो भी पढ़ाई करते हैं इसी पर डिपेंड होता है, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और साथ में सीपीयू। लेकिन एक चीज यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों को एक टिप्स है बहुत ही शानदार है, जो हमारा सीपीयू होता है इसके बारे में थोड़ा हम बता देते हैं, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे हार्डवेयर के बारे में, लेकिन यहीं पे मैं बता देना चाहता हूँ कि सीपीयू जो होता है हमारा ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर का दिमाग होता है एक तरफ से, एक तरफ से नहीं 100% यही है। अगर ये कंप्यूटर का क्या, अगर सीपीयू नहीं रहता है, बाय द वे सीपीयू नहीं रहता, आपका कंप्यूटर किसी काम का नहीं है, चलेगा ही नहीं, कीबोर्ड किसी काम का नहीं, माउस किसी काम का नहीं, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सीपीयू, क्योंकि सीपीयू क्या है, हमारा ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इसी में मदरबोर्ड, मदरबोर्ड पे ही सारा चीज हमारा डिपेंड करता है, और इसी में सारा स्टोरेज, इनपुट, जो भी चीज आप इंस्ट्रक्शन देते हैं करने के लिए, सीपीयू में बहुत सारे अलग अलग पोर्ट्स होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं, इस पे वर्क होता है। तो नॉर्मली कंप्यूटर का सारा चीज आप लोग देख लिया किस तरीके से कंप्यूटर होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर का भाई परिभाषा होता क्या, डिफिनेशन क्या होता है, कैसे समझेंगे। अब ये सोच रहे हैं कि ट्रिपल सी में डिफिनेशन आता है, तो नहीं आता है ट्रिपल सी में, कभी ये नहीं पूछता है कि भाई हमको परिभाषा बताइए ट्रिपल सी का, कि कंप्यूटर का परिभाषा क्या होता है, ऐसा कभी पूछता नहीं। नॉर्मली कंप्यूटर का परिभाषा में से क्वेश्चंस पूछते हैं कि यानी कि डिफिनेशन जो होता है उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, देखते हैं पहले तो परिभाषा होता है क्या, उसमें बाद उसको हम क्वेश्चंस बता दें। सबसे पहला चीज ये है कि कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र। यंत्र को हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिवाइस भी बोल सकते हैं, कभी कभी क्वेश्चंस में हिंदी भी आ जाते हैं और इंग्लिश भी आ जाते हैं, ये कंफ्यूजन मत होगा, हम लोग यंत्र को ही डिवाइस बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक तो आप लोग जानते होंगे। तो कंप्यूटर क्या है, नॉर्मली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर क्या है, यहीं पे एक क्वेश्चन, कंप्यूटर क्या है,
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अगर साथ में हम लोग नोट्स बनाते रहेंगे तो काफी क्लियर होगा, या आगे भी हम लोग इससे बहुत सारे हर एक टॉपिक्स का अलग अलग नोट्स हम लोग तैयार करेंगे, जिसमें सारा हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे वर्क करेंगे। तो कंप्यूटर फंडामेंटल में सबसे पहला हमारा कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, पहला क्वेश्चन से। दूसरा क्या है, जो डेटा, इसका डिफिनेशन क्या होता है, कंप्यूटर की इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो क्या करता है, डेटा लेता है और उस पर प्रक्रिया यानी कि उस पर प्रोसेसिंग का वर्क करता है, और हमें अर्थात क्या देता है, उसका परिणाम देता है। यानी कि नॉर्मल भाषा में समझे तो हमसे जो भी हम किसी को इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे अगर हम किसी वर्कर को कहीं भी हम काम करा रहे हैं किसी से, उसे हमने बोला, इस आदमी को हमने बोला, यहाँ पे मैं हूँ और मैंने इसे बोला कि तुम वो वाला ईंट लाकर यहाँ पर रख दो, तो ये जो है हमने इसे इनपुट दिया, इनपुट इनपुट दिया, तो ये क्या किया, वर्क किया और हमको लाके यहाँ पर रिजल्ट रख दिया। इसी को नॉर्मली भाषा में कंप्यूटर कहते हैं, समझ गए ना, बहुत सिंपल तरीका होता है। यानी कि कंप्यूटर की भाषा में क्या कहते हैं, कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे दिए गए निर्देशों पे काम करके हमें रिजल्ट देती है, इसी को हम लोग नॉर्मल भाषा में कंप्यूटर कहते हैं। इसी में एक ही क्वेश्चन बनता है कि कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग क्लियर हो गया, कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। दूसरी भाषा में ये बोला जाए तो कंप्यूटर क्या है, एक प्रोग्रामिंग मशीन यंत्र है। यानी कि इसे कहने का अर्थ ये है कि प्रोग्रामिंग एक मशीनिंग लैंग्वेज को बस समझता है, यानी कि जीरो और वन को ही, जीरो और वन को ही बस ये समझता है, बाकी किसी चीज को ये नहीं समझता। इसी की भात, यानी कि इसी के फॉर्म में, जीरो और वन के फॉर्म में सारी लैंग्वेज को समझता है। जो भी हम कीबोर्ड से, बटन से, जो भी चीज टाइप करते हैं, जो भी चीज लिखते हैं, वो सारा किस कन्वर्ट में होता है, जीरो और वन के फॉर्म में, यानी कि बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तभी वो हमारे कीबोर्ड जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको समझता है। कीबोर्ड्स कभी, जैसे सिस्टम कभी ये नहीं समझता कि हमने ए दबाया तो ए वो नहीं समझेगा, वो ए के नीचे जो जो हमारा रजिस्टर लगा रहता है, रजिस्टर आप लोग नहीं समझेंगे लेकिन नॉर्मल चीज है, जो वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है जीरो और वन में, और वही जीरो और वन हमारा क्या करता है, एक अलग रिजल्ट देता है जिसे हमारा वर्क होता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने कंप्यूटर का डिफिनेशन समझ गया। कंप्यूटर का एक और क्वेश्चन चाहता है, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, नॉर्मली कंप्यूटर को, जो हमारा कंप्यूटर होता है उसका हिंदी में क्या कहते हैं, किसी को पता है, सभी लोग कहते होंगे संगणक, क्या कहते हैं, संगणक। कंप्यूटर क्या कहते हैं, संगणक। पर एक और ऑप्शन आ जाता है जिसमें हम लोग भूल जाते हैं कि भाई इसे कहते हैं नहीं, परिकलक, परिकलक। ये हमेशा आप लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या हम कंप्यूटर को परिकलक कहते हैं कि नहीं। 100% दोस्तों, हम कंप्यूटर को परिकलक भी कहते हैं, या आपके क्वेश्चंस में परिकलक आए या संगणक आए, दोनों चीज एक ही होता है। कंप्यूटर का नाम आप संगणक भी लिख सकते हैं या परिकलक भी लिख सकते हैं। कभी पेपर में आया था कंप्यूटर का हिंदी में क्या नाम है, तो आप परिकलक अगर ऑप्शन दिया तो परिकलक पर जरूर क्लिक करिए, साइन टिक लगा दीजिए, क्योंकि परिकलक 100% सही है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों एक बार में एक ही पॉइंट में, अलग अलग पॉइंट में आए, कोई एक ही आएगा, संगणक आएगा, परिकलक। तो कंप्यूटर का यहाँ पे हमने डिफिनेशन में दो क्वेश्चन देख लिया, पहला क्या किया कि कंप्यूटर की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, दूसरा क्या है, कंप्यूटर का नेम क्या है। तो आप लोगों ने क्लियर कर लिया होगा ये सारा चीज, कंप्यूटर का डिवाइस, कंप्यूटर का पूरा डिफिनेशन, हर एक चीज। आगे बढ़ते हैं, इसकी हम लोग जनरेशन के बारे में बात करते हैं कि पहले जनरेशन में क्या हुआ, दूसरे जनरेशन में क्या होता। सबसे पहले जनरेशन कितने टाइप्स के होते हैं, तो कंप्यूटर का जो ये वर्गीकरण है, आप लोग देख सकते हैं कंप्यूटर का वर्गीकरण टोटल 5 टाइप्स में डिवाइड हुआ है, यानी कि टोटल 5 जनरेशन इसके होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, ऐसे चतुर्थी पीढ़ी और पंचम पीढ़ी, यानी कि टोटल 5 पीढ़ियां होती हैं कंप्यूटर जनरेशन का। तो सबसे पहली पीढ़ी क्या होती है हमारी, 1942 से लेके 1955, यानी कि 1942 से लेके 1955 तक हमारी प्रथम पीढ़ी चली थी, 1942 से लेके 1955 तक। यहाँ पे आपका एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है ये कि हमारा प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर का कब से किस सन तक चला था, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, 1942 से लेके 55 तक हमारा प्रथम पीढ़ी चला था, और यहीं पे हमारा सबसे पहले कंप्यूटर का खोज हुआ था इसी सन में, ENIC, यहाँ पे मैंने भी लिख दिया है ENIC, ENIC यहाँ पे देख सकते हैं, इसी कंप्यूटर का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है जिसका खोज हुआ था प्रथम पीढ़ी के दौरान। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बहुत ही ज्यादा आता है, एनिक, कभी कभी एनिक का फुल फॉर्म भी पूछ देता है। तो सबसे पहला कंप्यूटर क्या है हमारा, ENIAC, एनिक। एनिक का फुल फॉर्म क्या 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 होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, शॉर्ट फॉर्म में याद करने का तरीका, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक हमने पहले ही पढ़ा कंप्यूटर के डिफिनेशन में, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वहां से हम इलेक्ट्रॉनिक वर्ड यूज कर लिए। एन फॉर न्यूमेरिकल, हमने बताया था कि कंप्यूटर जो होता है केवल बाइनरी नंबर को समझता है, यानी कि जीरो और वन, जीरो वन क्या होता है, नंबर, यहाँ से न्यूमेरिकल यूज कर सकते हैं।
दूसरा तीसरा चीज आता है इंटीग्रेट। इंटीग्रेट क्या, हमारे डाटा जो हम कंप्यूटर को देते क्या करता है, उसे पहले मैनिपुलेट करता है, फिर इंस्ट्रक्शन देता है, फिर उसे हमारा क्या करता है, रिजल्ट देता है। तो ये हमारा क्या इंटीग्रेट करता है किसी ना किसी तरह से हमारे वर्ड को, हमारे सेंटेंसेस को, जो भी हम इसको देते हैं। साथ में यहाँ पे एंड, ए फॉर एंड और सी फॉर कंप्यूटर, क्योंकि हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। तो आसान भाषा आप लोग समझ गए, इन्हीं का फुल फॉर्म एक पीछे कर लेते हैं। आसान भाषा में आप लोग समझ गए कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। एनी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। इसे आप लिखते रहेंगे तो आप लोगों को क्लियर होगा हर एक चीज, प्रैक्टिकल की तरफ आसानी से समझते रहेंगे। और यहाँ पे एक नीचे फिगर देख सकते हैं एनी का, किस तरीके से एक पूरे हॉल में इसको हम लोग रखा जाता था उस समय में, एक पूरे हॉल में रखा जाता था, तब जाके आप एक कंप्यूटर सेट होता था। ये देख सकते हैं कितनी बड़ी कंप्यूटर है, पिछले जनरेशन में यानी प्रथम जनरेशन में कितनी बड़ी बड़ी कंप्यूटर होती थी देखने को। तो यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन आ जाता है, किस प्रथम पीढ़ी में कब से कब चलाता है, यानी कि 1942 से 55 तक। सेकंड क्वेश्चन से आता है कि सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा है, तो इनिक, ENIAC। और तीसरा क्वेश्चन से ये आ जाता है हमारा कि हमारा इनिक का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे आप लोग ये भी देख लीजिए, इनिक का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। क्लियर हो गया होगा प्रथम पीढ़ी के बारे में। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पीढ़ी के बारे में। नेक्स्ट पीढ़ी हमारा क्या है, द्वितीय पीढ़ी हमारा है 1955 से लेके 64 तक, 1955 से लेके 1964 तक हमारा द्वितीय पीढ़ी चढ़ा था। यानी कि जो द्वितीय पीढ़ी सेकेंड जनरेशन है 1955 से लेके 1964 तक हमारे ये सेकेंड जनरेशन चला था। इसी को हम लोग पहला क्वेश्चन से ले लेते हैं, ट्रिपल सी में पूछ लेता है कि सेकेंड पीढ़ी कब से कब तक चला था। और इसी जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन में ही हमारा वैक्यूम ट्यूब को हटाकर ट्रांजिस्टर का यूज करने लगा। जो हमने पहले क्वेश्चन किया था कि ट्रांजिस्टर का कब यूज हुआ, ट्रांजिस्टर किस जनरेशन में है, तो ट्रांजिस्टर हमारे किस जनरेशन में है, सेकंड जनरेशन में हमारा क्या हुआ, ट्रांजिस्टर आया। ट्रांजिस्टर हमारे किस जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में। ये भी एक क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, सेकंड क्वेश्चन है किस जनरेशन में हमारा ट्रांजिस्टर आया, यानी कि सेकंड जनरेशन में हमारा क्या हुआ, ट्रांजिस्टर आया। ट्रांजिस्टर कुछ देखने में इस तरीके से होता है और वैक्यूम ट्यूब कुछ इस तरीके से होता है, जो क्या करता है, रिजल्ट प्रदान करने का काम करता है। जैसे कि आगे आप डिस्कस करेंगे इसको बहुत ही ब्रीफली कि ये कैसा होता है, किस तरीके से वर्क होता है। तो सेकंड जनरेशन आपका क्लियर हो गया, सेकंड जनरेशन 1955 से लेकर 64 तक चला, और इसी जनरेशन में ट्रांजिस्टर का आया, लॉन्च हुआ, यानी कि सबसे पहले सेकंड जनरेशन में हमारा ट्रांजिस्टर आया था। क्लियर हो गया होगा। आते हैं थर्ड जनरेशन के बारे में। तृतीय जनरेशन जो हमारा आता है 1964 से लेकर 75 तक चला था, 1964 से लेकर 75 तक हमारा थर्ड जनरेशन चला था। और इस जनरेशन में क्या हुआ, हमारा आईसी, आईसी जो आप लोग हमेशा फोन में कभी 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 दुकान पे जाते बोलते हैं आईसी जल गया है, या लैपटॉप का आईसी खराब हो गया, फोन का आईसी खराब हो गया, चार्जर का आईसी खराब हो गया, ऐसे बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलते होंगे आईसी सुनने का। तो इसी जनरेशन में, आपके तृतीय जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में ही आईसी हमारा जैसे कि लॉन्च हुआ था। सिंपली भाषा में सबसे पहला क्वेश्चन इसमें ये हम ले लेंगे कि 1964 से लेकर 75 तक हमारा थर्ड जनरेशन चला, और थर्ड जनरेशन में ही हमारा आईसी का लॉन्च हुआ, यानी कि सर्च हुआ था, यानी कि खोज हुआ था हमारा आईसी का। थर्ड तृतीय जनरेशन में हमारा आईसी है, और ये आईसी कितना छोटा बना दिया गया, इतना छोटा बना दिया गया, एकदम स्मॉल साइज में देख सकते हैं यहाँ पे, इतना स्मॉल साइज बना दिया गया कि इसमें लाखों करोड़ों ट्रांजिस्टर को ऐड करके आप डाटा को स्टोर, मैनिपुलेट, सर्कुलेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ये क्या करता है, कंट्रोलर की तरह वर्क करता है, कंट्रोलर की तरह एकदम आईसी अपना वर्क करता है। अगर आईसी में देखा जाए क्या क्या चीजें, अगर कभी आईसी में क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए, कभी पूछ लिया जाए कि आईसी किस किस चीज से बना हुआ है, आईसी किस किस चीज से बना हुआ, तो ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर प्लस रजिस्टर्ड, रजिस्टर, रजिस्टर शायद आप लोग पढ़े होंगे अगर 12th पढ़े होंगे तो, और साथ में कैपेसिटर। ये तीन चीजों से मिलके हमारा आईसी बनता है। ये तीन चीजें इतनी ज्यादा इसमें बन जाती है, इतनी छोटी छोटी, इतनी छोटी छोटी बनती है, इसमें आप अपनी नंगी आंखों से नहीं देख पाएंगे। इसके लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी, किसी दूसरे चीज को लेके, किसी दूसरे माइक्रोस्कोप के रूप में आप बस इसे देख सकते हैं, इतनी छोटी छोटी चीजें इसमें बन जाती है। तो आप लोग ये दो क्वेश्चन क्लियर कर लिएगा, तृतीय पीढ़ी में हमारा 1964 से लेकर 75 तक चला था, और साथ में इसी जनरेशन में हमारा आईसी का निर्माण हुआ था, आईसी का खोज हुआ था। अगर पूछ लिया जाता है कि किस जनरेशन में, किस सन में आईसी का खोज हुआ था, तो आप बता दीजिएगा, क्वेश्चंस में जरूर आ जाएगा 1964 से लेकर 75 के जनरेशन के बीच में। तो आप लोग क्लियर हो गएगा तृतीय पीढ़ी के बारे में। चतुर्थी पीढ़ी के बारे में आते हैं, यानी कि फोर्थ जनरेशन, इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, फोर्थ, सबको हम लोग यही कहते हैं, जनरेशन तो वही हुआ, बस आप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जनरेशन पीढ़ी आप लोग नहीं समझेंगे। तो फोर्थ जनरेशन कब से कब तक हुआ, 1975 से लेके 89 तक,
ये चीज याद कर लीजिएगा, एक नंबर में पूछ लेता है बहुत सारे में, पहली जनरेशन भी पूछ सकता है, दूसरी भी पूछ सकता है, तीसरी भी पूछ सकता है, चौथी भी पूछ सकता है, पांचवी भी पूछ सकता है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन इसमें उठा सकता है एक नंबर में। तो ये आप लोग हमेशा याद के लिए, कौन सा जनरेशन कितने समय तक चला, किस साल से किस साल तक चला। फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ कि जो हमारा आईसी होता था, जो हमारे थर्ड जनरेशन में आईसी आया, जो हमारा खोज हुआ, उस आईसी में फोर्थ जनरेशन इतने ज्यादा ट्रांजिस्टर को बढ़ावा दिया गया, इतना ज्यादा ट्रांजिस्टर ऐड किया गया कि उस कंडीशंस में, यानी कि चतुर्थी पीढ़ी में और फोर्थ जनरेशन में हमारे आईसी में लाखों करोड़ों लाखों की संख्या में ट्रांजिस्टर को, यानी कि ट्रांजिस्टर को ऐड करने लगा गया इस आईसी में। जब से हमारा आईसी बिल्कुल छोटा हो गया, एकदम छोटा सा हो गया, जो बहुत ही ज्यादा शानदार वर्क करने लगा, और इसी के जरिए हमारा कोई भी डाटा करप्ट नहीं होता है, बहुत ही अच्छे से काम करता है, कंपाइल अच्छे से करता है, और इसी के जरिए आप लोग कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। जो हमारा आईसी होता है, हमारा क्या एक तरफ से कंट्रोलर होता है किसी भी चीज को। जैसे सिंपल भाषा में अगर मोबाइल की बात करें, तो मोबाइल में जो भी चार्जर फ्लो होता है वो कितनी कैपेबिलिटी की चाहिए, कितना किधर शेयर करना है, एक तरफ से पूरा बंच जो होता है कंट्रोल करने का, वो काम किसका होता है, आईसी का। इसी को नॉर्मल भाषा में हम लोग आईसी कहते हैं। क्लियर हो गया होगा आप सबका। चतुर्थी पीढ़ी में 1975 से लेकर 85-89 तक चला था, ये पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन ये भी अगर आता नहीं लेकिन नॉर्मली आप लोग याद कर लीजिए कि इसी जनरेशन में चतुर्थी पीढ़ी में ही आईसी में लाखों करोड़ों ट्रांजिस्टर को ऐड करने लगा गया, एक तरफ से ऐड कर दिया गया, जिसमें बहुत ही तेजी से काम होने लगा और बहुत ही फास्ट वर्क होने लगा। फिफ्थ जनरेशन जो होता है बहुत ही शानदार जनरेशन है, जो कि आज तक हमारी चल रही है फिफ्थ जनरेशन थी, जो 1989 से चल रही है और अभी तक चलते ही जा रही है। पता नहीं कब तक इनफाइनाइट तक जाएगी, या कब तक जाएगी, इनफाइनाइट तो नहीं लेकिन कब तक जाएगी, सीमित होगी या नहीं होगी, मुझे तो नहीं पता। अगर आपको पता रहता तो कमेंट से बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। पांचवी पीढ़ी जो होती है 1989 से अभी तक जनरेशन चल रही है। अगर पांचवी जनरेशन पूछी जाती है कि पांचवी जनरेशन कब से कब तक है, तो आप लोग उसमें ऑप्शन जरूर मिल जाएगा कि 1989 से अब तक चल रही है, यानी कि 1989 से अभी तक चल रही है। इसमें पांचवी जनरेशन में एक इंटीग्रेटर है, एक इंटीग्रेटर जिसका नाम है ULSI इंटीग्रेटर। ये हमेशा पूछ लिया जाता है कि पांचवी जनरेशन में कौन सा इंटीग्रेशन है जिसका नाम है ULSI। ULSI क्या है, एक अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है, जो क्या करता है, इसका काम था पूरी चीजों को फास्ट करना है। फास्ट गाड़ी ऐसे आती है ना, ऐसे जाती है फास्ट एकदम, यानी किसी भी चीज को बहुत ज्यादा फास्ट करना। जैसे कि रोबोट क्या कर रहे हैं, फिफ्थ जनरेशन में नॉर्मली होता क्या है, फिफ्थ जनरेशन एक ऐसा जनरेशन है जिसमें लोग रोबोट थिंकिंग करना चालू कर दिए, क्या करना है क्या नहीं, कहाँ प्लेट ले जाना है, कहाँ खाना ले जाना है। साइंटिस्ट ऑटोमेटिकली वर्क करने लगे, एक चीज लिखते हैं 10 काम हो जाता है। इंजीनियर छोटे छोटे डिजाइन करते हैं, एक 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 ईंट लगाएंगे पूरा एक दीवार चल जाएगा। ये कैसे हो रहा है, ये सारा काम कैसे हो रहा है, कहीं ना कहीं नहीं, ये पूरा डिपेंड कर रहा है हमारे कंप्यूटर पे, और यही तो हमारा फिफ्थ जनरेशन है जो अभी तक चल रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। अगर हम डिजाइनिंग करते हैं, एक बिक्स रखते हैं इंजीनियरिंग की भांति देखे, तो तुरंत वहां पे दीवार खड़ा हो जाएगा, दूसरा दीवार लगाए तो वहां पे स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा घर का। ये क्या है, ये हमारी इंजीनियरिंग का है, ये हमारे क्या है, कंप्यूटर है, जो हमारे जनरेशन को बदलाव कर रहा है, हमारे बहुत तेज फास्ट वर्क कर रहा है। अगर फिफ्थ जनरेशन में देखा जाए, तो पहले तो केबी में डाटा चलता था, केबी में, कभी कभी आपका भी चलता है केबी में, लेकिन ये एक ऐसा जनरेशन है जिसमें कंप्यूटर में देखा जाए स्टोरेज को लेके, तो यहाँ पे गीगाबाइट जीबी को छोड़िए टेराबाइट्स में चलता है, टेराबाइट्स में, टीबी में, टीवी का स्पीड यहाँ पर देता है स्टोरेज के लिए, या किसी भी काम करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, किसी भी प्रोसेसिंग करने के लिए, यहाँ पे केबी नहीं, जीबी नहीं, टीवी में वर्क होता है, यानी कि टेराबाइट। आप सोच सकते हैं ना, 10 टेराबाइट, 1 जीबी में 1 10 24 KB होता है ना, 1024 KB होता है, एमबी होता है, सॉरी एमबी होता है, 1 जीबी में 1024 MB होता है, और 1 MB में, 1 MB में कितना KB होता है, 1 MB इज इक्वल टू 1024 KB होता है, और 1 GB इज इक्वल टू कितना MB होता है, 1 GB तो 1024 MB होता है, और 1 TB इज इक्वल टू कितना होता है, 1 TB इज इक्वल टू होता है 1024 GB होता है। आप सोच सकते हैं कितना डाटा हमारा 1 सेकंड में ये कंप्यूटर वर्क कर रहे हैं आज के समय में। यहाँ पे देखते थे रोबोट कितना तेजी आसान क्या काम कर रहा है, चेस खेल रहा है, जो हम लोग नहीं खेल पाते वो रोबोट खेल रहे हैं बैठ के। ये जो औरत यहाँ पे बैठी है, देख सकते हैं डाटा शेयर करे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम की, कितनी फास्ट मैनिपुलेटिंग हो रही है यहाँ पे, कितनी तेजी से प्रोसेसिंग काम हो रहा है। ये क्या है, हमारे जनरेशन है जो हमारी तेजी से बहुत तेज बढ़ रही है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ जाते हैं ट्रिपल सी में आपको, कि फिफ्थ जनरेशन कब तक चल रहा है, और इस जनरेशन में किस तरीके के अपडेट्स हैं, ये नॉर्मली क्वेश्चंस नहीं आता, लेकिन आप लिए नॉलेज के लिए रख लिया जाना है। अगर इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं फिफ्थ जनरेशन में क्या क्या चीज होती है, इसमें से आप बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज याद कर लीजिएगा, ULSI का फुल फॉर्म क्या होता है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
जो हमारे डाटा को, जो हमारे कंप्यूटर को बहुत ही फास्ट काम करने का सोर्स है, ULSI के जरिए हुआ है, जिसका काम है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये हो गया हमारी पांचवी पीढ़ी का पूरा डिटेल, यानी कि हमने क्या क्या किया। पहले जनरेशन के बारे में पढ़ा, दूसरे जनरेशन के बारे में, तीसरे और चौथे और पांचवे, सारे जनरेशन के बारे में वन बाय वन पढ़ लिया। जनरेशन के भी बारे में हमने पढ़ लिया, टोटल कितने जनरेशन होते हैं, टोटल कितने जनरेशन होते हैं, 5 जनरेशन होते हैं, ये भी क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कि भाई हमारा सुपर कंप्यूटर कौन कौन सा है। अगर कभी हमको पूछ रहे थे कि सुपर कंप्यूटर कौन कौन सा, क्या बताएंगे, तो इसके लिए दोस्तों हम आपको तीन सुपर कंप्यूटर के बारे में बताने वाले हैं, नॉर्मली तीन सुपर कंप्यूटर। सबसे पहला हमारा सुपर कंप्यूटर होता है डीप ब्लू, डीप ब्लू सबसे पहला हमारा सुपर कंप्यूटर हो गया, दूसरा हो गया परम और तीसरा हो गया कॉस्मो। ये तीनों हमारे सुपर कंप्यूटर का नाम ले सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पे सबसे, अगर ये तीनों आते हैं सुपर कंप्यूटर में, तीनों तो आप एग्जाम्पल में, ऑप्शन में अगर आते हैं, तीनों भी आप टिक लगा सकते हैं कि हाँ ये सुपर कंप्यूटर है। लेकिन अगर ये पूछ लिया था कि सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन है, तो क्या बताएंगे इन तीनों में आप लोग? नहीं, सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है क्रे के वन। ये सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है, प्रथम सुपर कंप्यूटर जो अमेरिका में बनाया गया था, जो कि 1979 में तैयार किया गया था। यहाँ पे डेट भी लिख दिया गया है, और ये रिसर्च कंपनी के द्वारा बनाया गया था 1979 में। अमेरिका की एक ऐसी कंपनी थी जो क्या बनाई थी इसको, 32 बिट से लेकर 64 बिट की स्पीड तक ये ने इस कंप्यूटर को बनाया गया था। और ये जो कंप्यूटर बना था, जो सुपर कंप्यूटर का नाम से आपको क्या लगता है, कैसा लगता है? सुपर कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसपे एक साथ, मान लीजिए यहाँ पे आपका कंप्यूटर है, इस पे आप 10 लोग 15 लोग आसानी से वर्क कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। इसी को हम लोग नॉर्मल भाषा में क्या कहते हैं, सुपर कंप्यूटर। यही तो है हमारा सुपर कंप्यूटर, जिसपे आप लोग 10 लोग 20 लोग वर्क करें, उसी को तो हम लोग सुपर कंप्यूटर कहते हैं। एग्जाम्पल ले लिया अगर सुपर कंप्यूटर का, तो जनगणना ले लीजिए। जनगणना जो अलग अलग गाँव में होता है, वो क्या है, एक सुपर कंप्यूटर का ही तो प्रोसेस है। एक ही सॉफ्टवेयर पे एक साथ अनलिमिटेड लोग वर्क करते हैं, वो क्या है, हमारा सुपर कंप्यूटर का प्रोसेसर है। उसी के तो जरिए सारा वर्क हो रहा है, ये सब कुछ क्या है, हमारा सुपर कंप्यूटर है। और ये कितना फास्ट वर्क कर रहा है इसके बारे में तो आप लोग जानते हैं, गीगाबाइट टेराबाइट की स्पीड देती है। तो ये आप लोग क्लियर हो गया होगा, इसमें क्या क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। सुपर कंप्यूटर सबसे पहला क्या है, क्रेकी। अगर डीप ब्लू, परम या कोस्मो नाम दे देता है कि ये तीनों में से, अगर पूछ लेता है कि सुपर कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं, तो ऐसे आप किसी का भी नाम दे सकते हैं इन चारों में से। अगर ये पूछ सकते सबसे पहला, तो क्रेकी सबसे पहला, या पूछ सकता है इन इन ऑप्शंस में से सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन है, तो क्रेके। अगर ये पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर है, उसमें आपका डीप ब्लू नेम दिया, तो ये डीप ब्लू टिक कर दीजिएगा। परम है तो दिया, तो परम टिक कर दीजिए। कोस्मो दिया, तो कोस्मो टिक कर दिया। तो ये आपका सुपर कंप्यूटर क्लियर हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमको लिख चलते हैं कि कंप्यूटर पहले कैसे था, अब कैसा है, और इस समय बीच में जनरेशन में कैसे है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहला कंप्यूटर इस तरीके से होता था, जो एक एक घरों में बनाया जाता था, पूरी हॉल की तरह उसे असेंबल किया जाता, तब जाके वर्क होता था, और उतना फास्ट वर्क नहीं होता, केबी में होता था यहाँ पे वर्क। फिर नया जनरेशन आया, सेकेंड जनरेशन थोड़ा और फास्ट वर्क हुआ, फिर आया थोड़ा और फर्क हुआ, फिर आया फोर्थ जनरेशन थोड़ा और फास्ट हुआ, फिर फिफ्थ जनरेशन में इतना ज्यादा फास्ट हो गया डाटा कि हमारा टीबी में काम होने लगा, टेराबाइट की स्पीड में काम हो। देख सकते हैं जनरेशन कैसे बढ़े, किस तरीके से सिस्टम डेस्कटॉप कंप्यूटर हमारा चेंज होते जा रहा है। देख सकते हैं इस तरीके से हमारा जनरेशन कंप्यूटर का बना, और इस तरीके से ये हमारा जनरेशन हो चुका है। तो आप लोग सारा चीज क्लियर कर लिए होंगे। ट्रिपल सी में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आ सकता है, ट्रिपल सी के बारे में, डिफिनेशन के बारे में पूछ सकता है, साथ में जनरेशन के बारे में पूछ सकता है, साथ में जनरेशन में कौन कौन से जनरेशन आते हैं, किस किस सन में, किस जनरेशन में क्या लॉन्च हुआ, कौन से जनरेशन में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है, कौन से जनरेशन में सबसे पहला कंप्यूटर है, पहले सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा है। ऐसे जितने भी हमने अभी तक क्वेश्चन बताए, सारा चीज आप लोग को क्लियर हो गया कि क्या क्या चीजें हमने बताएं हर एक चीजों के बारे में। यहाँ पे हमने क्या किया, हर एक चीजों के बारे में, यहाँ हमने हर एक चीजों के बारे में बहुत ही आसानी से डिस्कस कर लिया। कंप्यूटर का वर्गीकरण, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, हर एक चीजों के बारे में आसानी से क्लियर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्यूटर के बारे में कुछ और टॉपिक्स लेके आएंगे, जैसे कि सबसे पहला टॉपिक हम लेके आएंगे इनपुट डिवाइस नॉर्मली होता है, इनपुट डिवाइस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में आप सभी लोगों ने कंप्यूटर के बारे में हर एक चीज क्लियर कर लिया, कंप्यूटर का परिचय पूरा चीज। अगर कोई भी डाउट्स होता है, आप लोगों को क्लियर नहीं होता है, किसी भी चीज में डाउट होता है, तो हमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके हमारे वेबसाइट पे बता सकते हैं, या डायरेक्टली आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जहां से हम आपको हर एक चीजों का सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कुछ और